driver don't drink, yeah. So women are drinking, men are not, yeah. Salam. अभी नेक्स्ट रह गए हैं दो तीन कंट्री जो के मेरी विश लिस्ट पे हैं. एक तो इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया में लाजमी जाना है अगर वो वीज़ा मुझे इजीली दे दें. लेकिन पता नहीं क्यों नहीं वो देते वीज़ा. कोई है मेरा दोस्त जो इंडिया से, प्लीज़ कोई रिक्वेस्ट करो यार अपनी एम्बेसी को. बाई हमारा हो गया है आर्मेनिया में एक्सीडेंट. और अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे. मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्मेनिया में और ये जगह है लास्तिवार, एक पहाड़ी सा एरिया, कोहकाफ का एरिया. ये सारे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कोहकाफ के माउंटेन्स हैं. तो ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कोहकाफ के माउंटेन्स में, वो भी आर्मेनिया में आके हम इधर इंजॉय करेंगे, इधर अल्लाह की ज़मीन पर सजदे करेंगे. तो ये भी एक ख्वाब पूरा हो गया. कोहकाफ के पहाड़ों के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पर काफ़ी पड़ियाँ भी होती हैं. मुझे अभी तक कोई पड़ी नज़र नहीं आई, सिवाय कुछ तीन चार लड़कियाँ जो रशियन थी वो साथ आई हैं, वही आई हैं. तो आपको बताता चलूँ, आर्मेनिया और अजरबैजान अनफॉर्चुनेटली इनकी आपस में लड़ाई है और पाकिस्तान जो अजरबैजान का साथ देता है, जिसकी वजह से आर्मेनिया को पाकिस्तान तस्लीम ही नहीं करता कि ये मुल्क है या नहीं. लेकिन मैं यहाँ पे आऊँ, जब मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो कोई मतलब इतना वो बैड रिएक्शन नहीं आता, डिफरेंट रिएक्शन नहीं आता. काश हर बंदे को बंदा कैमरे में कैप्चर कर सके, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता कि बंदा कैमरा उठा के लोगों से डिस्कशन करे. क्योंकि मैं तो सहाफ़ी नहीं, मैं एक ट्रैवलर हूँ, बस इंजॉय करता हूँ अपनी जो मोमेंट्स हैं उनको, बस कैमरे की आँख में सेव करता हूँ. तो बस अच्छा टाइम गुजरा इधर, कोई दुश्मन देश समझ के आए थे, कोई इधर दुश्मनी मुझे नहीं नज़र आई, प्यार ही मिला और अच्छी जगह. तो आप भी मेरे पीछे व्यू इंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत ही हौसला अफजाई होगी आपकी सपोर्ट से. तो इंशाल्लाह इसी तरह और भी जगह आपको मैं मज़ीद दिखाता रहूँगा. रोड है बड़ी हार्ड है और पिंजड़े लगे हैं पूरी बॉडी के, रोड पक्की नहीं थी इधर. क्योंकि हम इस वक्त जा रहे हैं लास्तिवार, एक प्लेस का नाम है, रिजोर्ट है, और उसकी तरफ जा रहे हैं. लेकिन ऑफ रोड है ये रोड, बिल्कुल बड़ी ख़राब सिचुएशन है रोड की, और पूरी बॉडी हमारी ना हिल रही है. सही, सारे पैसेंजर भी उफ उफ कर गए हैं कि हम किधर फंस गए. ये देखें ना, इसने मैं ला के रख दिए. लास्तिवार कैसा होगा, लेकिन लास्तिवार से पहुँचते पहुँचते लगता है हमारी ना अंदर की जो आंते हैं वो सारी हिल जाएगी. वो फिर भी कहते हैं मुश्किल जो रास्ते होते हैं ना हमेशा खूबसूरत मंजिल पे पहुँचाते हैं. तो अभी देखते हैं ये मुश्किल रास्ता हमें कितनी खूबसूरत मंजिल पे पहुँचाते हैं. जी, तो लास्तिवार रिजोर्ट पर जा रहे हैं. ड्राइवर ने मैं नीचे उतार दिया, कहता गाड़ी से ऊपर नहीं जा सकती. तो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर वॉक है और हम ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, समझ लें 2 किलोमीटर ट्रैकिंग भी हो जाएगी इसी बहाने. और साथ मेरे साथ हैं ये रशियन लड़कियाँ और औरतें और बूढ़ियाँ कह सकते हैं आप इनको, सारे इकट्ठे. और ड्राइवर पता नहीं क्यों हॉर्न दे रहा है अभी पीछे. तो अभी हम ऊपर जाते हैं लास्तिवार रिजोर्ट पे. पता नहीं उधर क्या ऐसी चीज़ है जो देखने के लिए इन्होंने ट्रिप में रखी हुई थी, लेकिन कोई नहीं, कोहकाफ के पहाड़ों के नज़ारे देख लेते हैं. और क्या पता कोई कोहकाफ के पहाड़ों में हमें कोई फेरी मिल जाए, कोई पड़ी मिल जाए. तो इस गाड़ी में थे हम, ये हमारा ड्राइवर साहब. So, ये मुझे कहता है बैठ जाओ अंदर. थैंक यू. Just not at all. Just 2 kilometers and it's up there. You're what? Yeah. Yes. Okay. No, it's okay. No problem. Okay. Yeah, I can walk. Yeah. Just very well. अभी हम वॉक से बच गए हैं, वॉक नहीं करनी पड़ेगी. रोड बड़ी खतरनाक है, फिर जी वॉक वॉकिंग कंटिन्यू करते हैं. ये बोलते हैं अपनी
रशियन लैंग्वेज तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि ड्राइवर है थोड़ी बहुत इंग्लिश में समझाने की कोशिश करता है। तो अभी इस तरह की जगह पे फंस गए हम, क्या गए फंसना गया या, लेकिन लोकेशन अच्छी है, थोड़ा रोड काफ़ी ख़तरनाक था और लोकेशन वेरी नाइस। ये हैं कोह काफ के माह पहाड़। इन लड़कियों के चक्कर में हम फंस गए हैं और अभी हम इधर से नीचे उतरेंगे। डाउन डेंजरस है काफ़ी, ट्रैकिंग शूज़ के बिना यहाँ से उतरने नहीं होता। लेकिन ये पता नहीं वाटरफॉल किस साइड पे, लोकेशन किसी को भी नहीं पता, सब आ तो गई हैं लेकिन लोकेशन किसी को समझ नहीं आ रही। लेकिन जी लास्ट बार लेक के हंट में हम जा रही हैं, लेक सॉरी कह रहा हूँ आबशार जिसको वाटरफॉल कहते हैं, और इन रास्तों से हम जा रहे हैं तो थोड़ा रास्ता हमें मालूम नहीं है सही, और ड्राइवर को भी नहीं पता कि वो है किधर एक्चुअली वाटरफॉल। तो बड़ा अरसे बाद पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं और कभी किस्मत में ये नहीं सोचा था कि हम ना पहाड़ों पे चढ़ेंगे, वो भी कोह काफ के पहाड़ों पे। ओए भाई गिरने लगा था आपका। ये ऊपर हम चढ़ गए इधर, तो हम इधर चढ़ गए, लड़कियां ढूंढ रही हैं लेक को और हम उधर जा रहे हैं। लेक फिर मुंह से निकल रहा है आबशार वाटरफॉल, क्योंकि मत बजी हुई है इन पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के ना। पहाड़ों पे 2 किलोमीटर चलना, ऐसे ऐसे 6 किलोमीटर चलते हो आप। तो इधर रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पे देखें कोह काफ के पहाड़ों के नज़ारे, ये देखें वो नीचे जो सिटी है ना वो आप देख रहे हो मेरी फिंगर के बिल्कुल, वो इजवान एक सिटी है आर्मेनिया का, वो है उधर नीचे वैली सी बनी हुई है और ये सारे आगे पीछे पहाड़ हैं। ये है ओवरहेड ब्रिज, अभी इसके नीचे से हम जाएंगे। इनको बेचारियों को नहीं पता, ड्राइवर को कहता मुझे भी नहीं पता, उसको फाइंड हमने खुद करना। बस इस तरह ही आगे पीछे ऊपर नीचे। दो माइयों ने तो आस छोड़ दी उतनी, कहती नहीं हमने नहीं जाना पा जी, मुश्किल है रहा। ये देखें ये बड़ी तेज हैं लड़कियां, हम इधर से नीचे जंप ही मार। देखो रशियन कुड़ियां कितनी एक्टिव होती हैं, कितनी तेज तेज चलती हैं, हम तो कभी चले ही नहीं, बैठ बैठ के लेजी बने हुए हैं। इधर मैं कुछ देर रुका हूँ, यहाँ पे वो जिप लाइन है नीचे लगी हुई, क्या व्यू है कसम से, पैसे पूरे हो गए इधर आने के ना, और जो खजलाहट हुई है वो अलहदा हुई है इधर पहुँचते पहुँचते। बट जब मैं इधर पहुँचा तो देख के क्या बात है यार, ये देखें व्यू देखें आप और इसको इंजॉय करें कोह काफ के माउंटेंस को। और वो जो शहर है वो इजवान, पता नहीं उसका ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, वो शहर है आर्मेनिया का, और हम इसके बाहर आए हुए हैं इसके लास्टीवेर वाटरफॉल की तरफ। तो इधर बस रुके हैं, ये देखें ये जिप लाइन है नीचे लगी हुई, लेकिन ये दूसरी साइड से आ रही है, अगर चांस लगे तो बंदा इधर भी जाए। ये देखो बच्चे बैठे हुए हैं यार, क्या व्यू है खूबसूरत। अभी बारिश भी लगता है एनी टाइम स्टार्ट हो जानी है।
लास्तीवेर वाटरफॉल तो नहीं मिल रही, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने किसी बहाने के लिए इधर बुलाया था लगता है मुझे। शायद आपने ज़मीन पे एक सजदे की मुझे एक तौफीक दे दी। तो ज़ोहर का टाइम था, बस उधर हमने ज़ोहर भी पढ़ ली। शूज़ वगैरह तो नहीं उतारे, लेकिन सुना कि शूज़ के बिना भी नमाज हो सकती है, उतारे। और वो जो रशियन लड़कियां थी वो पता नहीं किधर गई हैं, एक ऊपर चली गई थी मेरे हाल में इन पहाड़ों के, और एक दो नीचे चली गई थी। तो कोशिश करते हैं अगर ये मिल जाए वाटरफॉल, नहीं तो फिर वापस ही जाएंगे और तो कोई हाल नहीं है। लेकिन एक मैंने बड़ी खूबसूरत बात सुनी थी, किसी हमारे बड़े फेमस वो स्कॉलर हैं, वो कह रहे थे कि जब आप अल्लाह की ज़मीन पर जाते हो, खासकर इन पहाड़ों में, तो जब आप सजदा करते हो, खुदा की जो कब्राइयत है, जो उसका खुदा की तारीफ़ बयान करते हो इन पहाड़ों में, तो ये पहाड़ भी झूमते हैं। तो अल्लाह आलम, लेकिन वैसे भी बड़ा अच्छा फील होता है जब आप नेचर में जा के ये काम करते हैं ना, कोई नमाज वगैरह, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और ये व्यू आप व्यू देखें, क्या मैं कहता हूँ, खूबसूरत व्यू है। अभी हम इधर से वापस भी चले जाएँ तो मुझे तो कोई अफसोस नहीं है। ये देखें ऊपर सारे केव्स बनी हुई हैं, कुछ मुझे नज़र आई हैं उधर। तो इसको कोहे काफ ऐसे नहीं कहा जाता मेरे ख्याल में, इसके पीछे यही वजह, कोहे काफ मीन के यहाँ पे ये भी सुना कि पड़ियाँ भी होती हैं, फेरीज होती हैं। मुझे तो अभी तक कोई फेरी नज़र नहीं आई। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, वाटरफॉल की मुझे आवाज़ नीचे से आ रही है इस जगह से कहीं, लेकिन वो लड़कियाँ आगे चली गई हैं अभी, कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल में नीचे होगा कोई, आई डोंट नो। अगर वाटरफॉल नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं है, हम इधर से ही वापस जा सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस सारे खूबसूरत से व्यू के पैसे हैं, ये बस देख लिया सारा कुछ हो गया। इधर जो मैं सबसे ज़्यादा एक चीज़ मिस कर रहा हूँ ना, वो है मेरा ड्रोन। काश मेरा ड्रोन होता और इधर से ये आपको फुटेज लेके दिखाता, लेकिन ड्रोन की थोड़ी पाबंदी है इधर, क्योंकि यहाँ पे वो इनका कोई है रिस्ट्रिक्शन है। मैंने आने से पहले पढ़ी थी ऑनलाइन आर्मेनियन जो इनकी एविएशन की वेबसाइट है कि मेजॉरिटी ऑफ एरियाज़ में ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। मे बी परमिशन लेनी पड़े, लेकिन मैं इसलिए रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा ये ना हेडेक हो जाए, दुश्मन देश जा रहा हूँ यार, कहीं इन पहाड़ों में पकड़ के कहीं फौजी फांडा ही ना लगा दें मुझे। तो फिर हम ड्रोन नहीं लेके आए। तो लेकिन यह कि ड्रोन के बिना भी, वैसे भी ऊपर से ही खड़ा हूँ तो ऊपर से ही शॉट ले रहे हैं, ड्रोन के बिना भी ये खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको खूबसूरत लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना, ताकि हमारे लोगों को पता लगे कि आर्मेनिया भी एक कंट्री है और उसमें इतने खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं, पहाड़ भी हैं, सारा कुछ है। वो रशियन बीबियाँ तो कहीं हो गई हैं गुम, तो मैं कोशिश करता हूँ। आई थिंक इस पहाड़ पे आप चढ़ सकते हैं, उधर से कोई रास्ता था, इस पे कोशिश करता हूँ अगर रास्ता मुझे मिल जाता तो ऊपर से चढ़ के कोई शॉट्स लेते हैं। लेकिन रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, ट्रैकिंग शूज़ भी नहीं है, यही नॉर्मल ट्रेनर है हल्के वाले, तो रिस्क भी ना लिया जाए ये भी सही है। तो बस ये भी सोच ही रहा हूँ, क्योंकि अकेला हूँ इस बार, इस टूर पे मैं अकेला आया हूँ, तो कोई ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये ना ऊपर से गिर जाऊँ, उधर हेल्प भी करने के लिए कोई बंदा नहीं है। तो इसको पहले कहते हैं वो रिस्क असेसमेंट करते हैं कि ऊपर चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए, अगर चढ़ना चाहिए तो इसका क्या रास्ता कौन सा है, सेफ पैसेज कौन सा है। तो रास्ता तो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा, सारे पत्थर ही हैं, और मेरे ये ट्रेनर हैं तो आप खुद ही बताएं इनसे चढ़ना चाहिए नहीं, कभी भी नहीं, रिस्क है। नहीं ये इधर से देखते हैं, इतू आतिफ बचाना तेनू किसे नहीं, आ गए टह पा ना तू, फिर कोह काव दियाँ पड़ियाँ भी नहीं तेन चुकना।
बेहतर है वापस चल जा पुत्र। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे अंदर वाला कोई ना वो जिन कह रहा है कि भाई जी वापस चला जा इधर से, उठाना किसी ने नहीं इधर से, तो नहीं जाना चाहिए हमें। वैसे हमारे मुल्क में भी इस तरह की बड़ी खूबसूरत जगह हैं, अगर हम उनको सही प्रमोट करें ना तो टूरिज्म से बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अभी जैसे ये देखें कंट्री, हालांकि आर्मेनिया बड़ा अंडररेटेड सा कंट्री है, इतनी ज़्यादा इधर टूरिज्म जो ज़्यादा रशिया की है, ईरान की है, लेकिन जो है ना फिर भी इतनी ज़्यादा प्रमोशन करते हैं अपनी चीज़ों की कि हर जगह बताया होता है किस तरह ट्रैवल टूर बुक करने हैं सारे। वो जो तीन लड़के थे ना उनसे मैंने पूछा यार वो किधर है वाटरफॉल, तो वो कहते हैं बड़ी दूर है, तो मैं तो उधर से वापस आ गया। मैंने कहा यार छोड़ो ये ना हो उधर कहीं लंबी देर लग जाए तो इधर ड्राइवर फिर तंग पड़ा हो, तो ये भी है प्रॉब्लम। तो मैं अभी जा रहा हूँ वापस इधर से, और वो लड़कियाँ जो रशियन सी साथ वो पता नहीं किधर गायब हो गई हैं, तो बेहतर है इधर से वापसी का रास्ता लिया जाए। तो थोड़ा थक हार के इधर बैठ गया हूँ, लेकिन जो यहाँ पे सुकून मिल रहा है ना आप भी ये ज़रा इन्जॉय करें। परिंदे बोल रहे हैं, सिर्फ ज़िप लाइन की थोड़ी सी आवाज़ आती है जब बंदा वो स्लाइड करता है नीचे, बाकी बिल्कुल सुकून। देखें कितना सुकून है, परिंदों की आवाज़ और कोई स्ट्रेस नहीं बंदे को फील होती इधर आके। ऐसे लगता है जैसे नेचर के बंदा जब भी करीब हो ना तो स्ट्रेस दूर हो जाती है। तो आप भी कोशिश करें नेचर के थोड़ा पास रहा करें, आगे पीछे नेचर में जाएं। नेचर का यही फ़ायदा है कि बंदे को थोड़ा जो मटेरियलिस्ट दुनिया बनी हुई है उससे बंदा थोड़ा बाहर भागता है। और ये देखें परिंदे बोल रहे हैं, कोई इधर नजर नहीं आ रहे, पता नहीं किधर है। लेकिन आर्मेनिया में ऑनेस्टली कहूँ ना बहुत अच्छा लगा मुझे आके, और एक कंट्री की परसेप्शन हमेशा इसी तरह चेंज होती है। आप वहाँ जाके सफ़र करें उस चीज़ को देखें। अभी नेक्स्ट रह गए हैं दो तीन कंट्री जो कि मेरी विश लिस्ट पे हैं। एक तो इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया में लाजमी जाना है अगर वो वीज़ा मुझे इजीली दे दें, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं वो देते वीज़ा। कोई है मेरा दोस्त जो इंडिया से, प्लीज़ कोई रिक्वेस्ट करो यार अपनी एम्बेसी को, कोई भाई को वीज़ा दे दें इजीली इंडिया बंदा ट्रैवल कर सके। तो इंसान की परसेप्शन तभी चेंज होती है जब आप उस जगह जाके उन लोगों से मिलते हैं, उनका माहौल देखते हैं, तभी जाके इंसान की सोच बदलती है। थोड़ा सांस चढ़ा हुआ है क्योंकि आल्टीट्यूड काफ़ी हाई है इस वजह से, और ऑक्सीजन लेवल थोड़ा इधर लो है, पहाड़ों में हमेशा लो होता है, तो इस वजह से थोड़ा सांस फूल जाती है इधर, पता नहीं क्यों। एनीवे लगता है अभी कोई काफ के माउंटेन्स को हम ना बाय बाय करते हैं, और कहीं है। अगली जो भी डेस्टिनेशन है ड्राइवर साहब ये हमें लेके जाएगा, हमें तो ना रशियन आती है ना आर्मेनियन आती है, इंग्लिश में कोई हेलो हाय वो कहता है उसी को यस नो में जवाब देते हैं शहरों में। तो अभी जाते हैं और देखते हैं कि अगली हमारी मंजिल कौन सी है आज की। इतनी ज़्यादा वॉक करने के बाद तो डेफिनेटली फूड तो बनती है। तो इधर एक लोकल रेस्टोरेंट था, इसका नेम है अपाका, इस तरह कुछ नेम था। तो हम इधर आए तो ज़ाहिर है हलाल वाला ऑप्शन तो इधर नहीं है, तो मैंने फिर फ़िश के जो लोकल ट्राउट फिश है इधर की, इनकी लोकल रिवर्स की फॉर्म वाली फ़िश नहीं है, वो ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने ये स्टार्टर में दिया एक ब्रेड बीन्स, और साथ वो छोटी सी बस एक ब्रेड क्रम्स दी,
क्योंकि पहले मैंने सोच रहा था वेजिटेरियन ऑप्शंस यूज़ करें, लेकिन वेजिटेरियन के बजाय बेहतर है बंदा फ़िश ले रहे तो बेहतर है। वेजिटेबल थी स्पिनच साथ एग, तो वो भी खाने का कोई खास मज़ा नहीं था। तो बेस्ट है कि इनकी लोकल ट्राउट फिश ट्राई करते हैं इनकी। तो ये है जी आर्मेनियन ट्राउट फिश, जो कि बिल्कुल सैमन फिश की तरह लग रही है, प्रॉपर ये फार्म वाली नहीं है, रिवर वाली फिश है। और इसको टेस्ट करते हैं अभी। बहुत ही सुना था जो ट्राउट फिश का जो असल वाली उसका टेस्ट वो यूनिक सा टेस्ट होता है। तो अच्छी प्रेजेंटेशन है और प्राइसेस भी इधर रीज़नेबल है, इतनी ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे मैं टूरिस्ट जगह पर जाऊँ तो आप ज़्यादा होती है, जिसमें हमें 3,000 ड्राम की है, तो जो बन जाते हैं आप तकरीबन 8 पाउंड कह लें। फ़िश जी बहुत ही मज़े की है, इतना अच्छा इसका टेस्ट है ना, सॉल्टी है। और इसके अंदर भी ये देखें, इसमें कोई सॉस वगैरह डाली है, सिर्फ ग्रिल नहीं किया, प्रॉपर सॉस अंदर भी डली हुई है सारी। देखें सिर्फ ये कि बस ग्रिल की और कुछ, इसके हर जगह सॉस इसने डाली हुई है और नहायत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी किया। और देखें सही स्टैंडर्ड, और है भी पता लगता है ये वाकई रिवर की फ़िश है, फार्म की फ़िश नहीं है। स्ट्रॉन्ग टेस्ट है थोड़ा, लेकिन बोन्स ज़्यादा है इसमें, ये देखें। तो ये रहा जी हमारा इधर एक्सपीरियंस इधर फूड का भी, तो इसको करते हैं अभी हम एंजॉय। ड्राइवर डोंट ड्रिंक, या सो वुमेन्स आर ड्रिंकिंग, मेन्स आर नॉट, या दैट्स गुड। और जी हम गए थे उधर वाटरफॉल ढूंढने, चैंपियन ने वाटरफॉल ढूंढ ली। इस चैंपियन ने, दे आर टू चैंपियंस, सो दे बोथ फाउंड द वाटरफॉल एंड दे हैविंग अ ड्रिंक नाउ। सो अभी ये ड्रिंक पी रहे हैं, मुझे की ऑफर की है बट अल्कोहल नो, ड्राइवर अल्कोहल नहीं पीता। मैंने अपने रेस्टोरेंट में ड्रिंक किया 7 अप, और ये चैंपियंस हैं, मी, ये, मैं और ये वाले, इन्होंने नहीं किया, हम आगे नहीं गए। तो ये दोनों आगे गई थी, अभी सेलिब्रेशन हो रही है चैंपियन की। हाउ मैनी किलोमीटर्स? 5 किलोमीटर туда обратно? 3-6. Really? Okay, 6. Why are you asking? No, I went halfway, then I say bye-bye. देखें ये फन हो रहा है, मुझे भी ड्रिंक किया फिर गा रहे थे बैठ, लेकिन हम अल्कोहल नहीं पीते, तो मैंने बताया उसको, कहता है आप मर्द हो, औरतें पी रही हैं, आप क्यों नहीं पीते? तो ये खुद भी नहीं पी रहा, बट लोग अच्छे हैं, इट्स गुड। तो अभी देखते हैं, एक बंदे का इंतज़ार है, वो कहीं गुम गई है जो मेरे साथ थी, वो एक बैठी हुई थी साथ, तो वो आ नहीं रही अभी। ये देखें जी, इसने भी वाटरफॉल पे ये पहुंच गई थी, इसका मजाक कर रही है। और इसने भी लगता है उधर गई थी, इसका वेट कर रहे थे सब इसका ना, सामने सोचा कहीं गिर गुर गई है कहीं, पता नहीं। Another champion. तो लास्ट ईयर वाटरफॉल मैं तो कॉन्कर नहीं कर सका, लेकिन मेरे साथ जो मोटर में बैठी हुई है इन्होंने कॉन्कर कर दिया, ये उधर से होके आई है, इनका बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी किया इन्होंने। और इन्होंने भी मुझे अपने एक एयर ड्रॉप की है, जो वीडियो उधर जाके बनाई थी, तो मैं इस वीडियो में अपलोड कर दूँगा। आप ये ना कहें कि लिस्ट लेयर गए और हमने कोई उधर ले उसकी वाटरफॉल की वीडियो नहीं मिल पाई, तो इन मोहतरमा ने मुझे सेंड की है वो एयर ड्रॉप पे, और उसको मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप देख लेंगे लास्ट ईयर वाटरफॉल किस तरह की। एनी वे जो हुआ फिर जिंदगी रही, तो कभी उधर जाके रस्ती में वाटरफॉल भी देख लें। तो मैंने इनको बताया कि मैं लास्ट वीक कनाडा में था, वहाँ पे नियाग्रा फॉल इससे ही बड़ी वाटरफॉल है, वो मैं देख के आऊँ, तो आगे फ्रेंड्स रहे थे पे। तो तीन हम नहीं गए, तीन गए हैं, तो तीन ने वाटरफॉल देख ली है।
जी तो हुआ वही जिसका हमें डर था, हमारा हो गया है आर्मेनिया में एक्सीडेंट, और बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था। खुदा का करम है कि हम बच गए, कोई चोट नहीं आई, लेकिन यह कि घुटने पे थोड़ी सी चोट आई थी, उसकी वजह से हमें इधर हॉस्पिटल में एडमिट किया। और बस यही है, अभी क्या कह सकते हैं, जो खुदा को मंजूर, लेकिन सब सही है। और साथ जो थे रशियन, उन्होंने मेरे देखा, मैं लंगड़ा के चल रहा था, उन्होंने कहा एम्बुलेंस को बुलाओ, फिर एम्बुलेंस आ गई, फिर इधर फर्स्ट एड उन्होंने दी। अभी बस देखते हैं क्या होता है आगे, कैसे यारीबान पहुँचते हैं। तो इधर बैठा हुआ मैं, ये फर्स्ट एड रूम में इनका, और ये इन्होंने थमाया 8000 ड्राम इनका रोमेनियन करेंसी का बिल, ये पे करेंगे फिर अपना। लेकिन ये कि ड्राइवर कह रहा था आप उधर जाओ, वो सॉर्ट आउट करेगा, लेकिन जो खुदा को मंजूर, कुछ कह नहीं सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हम बच गए सब खैरियत से हैं। लेकिन ये एक्सीडेंट होने के बावजूद भी ना वो अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं ड्राइवर, वो कहते हैं जो प्लेसेस का हमने आपसे प्रॉमिस किया था वो आप चले जाएं, सिर्फ फ़ोटो वगैरह लेनी है तो ले लें। तो ये प्लेस है, इसका नाम है दिली जान, उसकी ये ओल्ड स्ट्रीट है, पुराने से हाउसेस बने हुए हैं जो कि तकरीबन डेट बैक टू वही 12वीं सेंचुरी से 12th सेंचुरी, और पुरानी सी लुक है। इधर आप देखें वही इन्होंने प्रिजर्व किए हुए हैं। जी तो एक्सीडेंट भी हुआ, सब कुछ हुआ, और सब कुछ होने के बाद हम इधर आए हैं एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पे डिनर कर रहे हैं, और साथ मेरे हैं इन आर्मेनियन दे से बारे इन रशियन इट्स प्रीवियत, सो वेरी गुड पीपल, सलाम, या ओके। सो अच्छा टाइम के साथ गुजरा, डिनर हम कर रहे हैं एंजॉय अभी, और अभी हम यहाँ से जाते हैं बाहर अपने होटल में। जी आपने देख तो लिया होगा क्या हुआ, एक्सीडेंट हमारे साथ हो गया था और हॉस्पिटल में था मैं, उन्होंने माइनर सी ट्रीटमेंट की, वो उनका पता नहीं कोई सिस्टम इस तरह का कि कोई भी एक्सीडेंट हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमने चेकअप लाजमी करना है। तो एनीवे बस इस दिन को यहीं पे मैं करता हूँ एंड, क्योंकि आगे मेरे में हिम्मत नहीं है मैं इसको सीरियल को अपडेट रखूँ। बड़ा हैक्टिक डे गुजरा है, दो तीन जगह देखी है, छः जगहों की बात हुई थी इस टूर ऑपरेटर से, तो एंड पे बस दो ही जगह देखना नसीब हुई हैं। कल देखूंगा अगर सेवान लेक है जहाँ पे वो काफ़ी वो भी फेमस है, अगर टूर अरेंज हो जाता है कल उसका, कल मैं प्राइवेट टूर अरेंज करूंगा, शेड में नहीं होगा क्योंकि शेड में मेन चीज़ें बंदे भी ज़्यादा हो जाते हैं। अभी पाँच बंदे मेरे साथ थे, छठा मैं और सातवां ड्राइवर, तो ये भी है थोड़ा बंदा कंफर्टेबल नहीं रहता। तो कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा सेवान लेक का आपको लेके जाऊँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हो सके तो लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को, क्योंकि आपकी दुआओं के बिना, माँ बाप की दुआओं के बिना और जितने भी दोस्तों की दुआओं के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।